इन दिनों पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री खूब चर्चा में हैं। विवादों के साथ साथ बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। इन सबके बीच बागेश्वर सरकार का कहना है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, बस घोषणा की जरूरत है। न्यूज चैनल आज तक से बातचीत के दौरान बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा, बस घोषणा की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसके बीच एक छोटी सी लाइन है, उस लाइन को पार करने के लिए ही मैंने आवाज बुलंद की है। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, हमारे जीवन का प्रारंभ से ही हिंदू धर्म और सनातन की तरफ झुकाव रहा है। अगर किसी को हिंदू राष्ट्र की बात से बवाल लगता है तो यह उनकी निजी कमी है, उनको किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। हमारा कोई बवाल करने का मकसद नहीं है। बाबा बागेश्वर का कहना है, हिंदू का मतलब है हिंसा का दमन करने वाला। हम सनातनी हिंदू हैं, हम हिंसा पर भरोसा नहीं करते हैं। हम भारत के लोग अहिंसा पर भरोसा करते हैं और हिंसा का दमन कर रहने वाले हिंदू राष्ट्र के वासी हैं। बागेश्वर धाम के प्रमुख का कहना है, ऐसी भारत में संकल्पना ऐसा ध्येय रखा जाता है, इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। जो लोग अहिंसा के पुजारी हैं, उनको हमारी इस बात से आग लगी होगी और अगर उन्हें लगी है तो उन्हें मेंटल चेकअप कराना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इसका हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा, हमारी हर पंथ संप्रदाय से सद्भावना है और हर धर्म के प्रति हमारी आस्था नतमस्तकता है, लेकिन सनातन के प्रति कट्टरता है। वहीं धर्मांतरण, घर वापसी और गोमांस के विषय पर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, यह विकराल समस्या है। भोले भाले लोगों को पिछड़ी जगहों पर लालच से ट्रिक दिखाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है।